शराब इंसानां लई कदे वी चंगी नहीं रही। सेहत संबंधी समस्यावां तों लैके आर्थिक तौर ते खोखला करन तक इह ड्रिंक हौली हौली दिमाग तक नूं दीमक वांग चट जांदी है। जेकर तुसीं अपने आले दुआले शराब पींदे लोकां नूं देखोगे तां तुहानूं पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा शराब पीण तों बाद उहनां लोकां नूं होश नहीं रहिंदा। मतलब पीण तों बाद उह की कहिंदे ने, किहड़ी गल उत्ते हसदे ने, किहड़ी गल उत्ते रोंदे ने, नशा उतर जाण तों बाद उहनां नूं याद तक वी नहीं रहिंदा। इस लई अमेरिका दी नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलकोहल एब्यूज एंड एलकोहलिज्म ने एक रिसर्च की है। इस रिसर्च उन्होंने दसाया कि दुनिया भर च किन्ने लोग शराब पीने तो बाद अपना होश गुआ देंगे ने। इस दे नाल ही असीं तुहानूं दसांगे कि यह शराब का ब्लैकआउट की है जिसका शिकार अज ज़्यादातर नौजवान हो रहे हैं। शराब पी के लोगों के होश क्यों उड़ जाते हैं, तुहाडे नाल शेयर करदे आं। बीबीसी नूं दित्ते एक इंटरव्यू विच अमेरिका के नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलकोहल एब्यूज एंड एलकोहलिज्म दे अरोन वाइट का कहना है कि ज़्यादातर लोग शराब पीने तो बाद कुछ समय बाद अपना होश गुआ लेंगे ने। जेकर उन्हें सीमा तो वध सेवन किया है तो वह भी ब्लैकआउट का शिकार हो जाते हैं। यानी उस समय उस दौरान उन्होंने आले दुआले की कुछ वापर है उन्होंने कुछ भी याद नहीं रहता। इस संबंधी 1000 विद्यार्थियों से एक खोज की गई जिस विच पाया गया कि घट्टो घट दो तिहाई लोग यानी कि 66.4% लोग शराब पीने तो बाद अशंक ब्लैकआउट का शिकार हो गए। इस दे नाल ही जर्मन न्यूज़ वैबसाइट DW च प्रकाशित एक रिपोर्ट मुताबिक हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी ने भी शराब के मनुखी दिमाग के प्रभाव से एक खोज की जिस उन्होंने पता लगा कि ज़्यादा शराब पीने नाल तुहाड़ा दिमाग आले दुआले के माहौल नूं समझण दे योग नहीं रहता। सोगो सरल भाषा में शराब पीण नाल तुहाडे ध्यान केंद्रित करन दी समर्था नूं कमजोर कर दिंदा है। इस तो बाद की होंगे यानी कि शराब पीने तो बाद दिमाग दे विच हुंदा की है। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के खोजकर्ता हेलमट जीट्स ने इस रिपोर्ट विच दस्या कि एलकोहल विच मौजूद इथेनॉल एलकोहल का एक बहुत छोटा अणु है। जिवें ही यह शरीर के अंदर पहुँचता है यह खून और पानी विच आसानी नाल घुल जाता है जदों कि मनुखी शरीर का 70-80% हिस्सा पानी है। यही कारण है कि शराब खुल के तुहाडे पूरे शरीर नाल नाल दिमाग तक पहुँच जाती है। जिवें ही तुहाडे दिमाग तक पहुँचता है उस तो बाद यह दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटरां नूं प्रभावित करना शुरू कर देता है जिस कारण नर्वस सिस्टम का केंद्र प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तुहाडी दिमागी प्रणाली प्रभावित होने का मतलब है कि तुसी उलझन की स्थिति में पहुँच जाते हो। कई बार तुसी चीज़ों नूं भुलना भी शुरू कर देते हो तो पूरी तरह के नाल एलकोहल ब्लैकआउट का शिकार हो जाते हो। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।